Hello everyone, good morning and welcome back to another day after a long time. We just skipped so many quiz, just skipped quite a few, not days, frankly speaking, quite a month. But now we are starting over again. So आज है वीकेंड और वीकेंड का सबसे पहला काम है क्रिकेट खेलना. दैट्स वॉट आई एम स्टार्टिंग द डे विद. आज क्रिकेट के साथ साथ बहुत सारे काम भी निपटाने हैं, साथ में पेपर लिए घूम रहा हूँ. एक कोटेशन है बेसिकली, अलग अलग टायर कंपनीज का, गाड़ी के टायर फट चुके हैं. रजिस्ट्रेशन था गाड़ी का, टेस्टिंग के लिए गई और फेल हो गई गाड़ी हमारी. चारों टायर चेंज करने हैं तो वो भी आज करना ही है, आज लास्ट डे अपना. एक कोटेशन है हमारे टायर के, सो इफ आई गो विद द सेम टायर विच इज करंटली गुड ईयर, इट विल कॉस्ट मी 4,476. क्वाइट एक्सपेंसिव मैन. ऑनलाइन रिटेलर ढूंढ लिया है जो मैं थोड़े सस्ते में देगा. आज ये काम भी करवाते हुए आना है क्रिकेट खेलने के बाद. एफएम पे बज रहा है ढोल जगीरो दा. एक कभी कभी तो दुबई में एफएम पे एक्सट्रीम पंजाबी गाने चलने लगते हैं. चलो जी पहुंच तो गए. लेके आया था, एक खा लिया, एक बचा है, इसको निकलते वक्त खाएंगे. इन स्पोर्ट्स दिस इज वेयर वी प्ले. सो वी आर बैटिंग फर्स्ट. Is our score so far 19? The second pair is on minus 5. The performance is top notch today. After a lot of effort from last pair, थोड़ा सम्मानजनक स्कोर आ गया. Corporate tournaments are going on. We are back in the car. We lost the match badly. बहुत बुरा यार. बहुत बुरी परफॉर्मेंस विद द मोस्ट एक्सपेक्टेशन, बट इट्स ओके, इट वॉज नॉट आर डे. अभी वी हैव टू गेट दिस थिंग डन मैन. टायर बलवाने, गाड़ी का टेस्टिंग करवाने एंड देन रजिस्ट्रेशन करना है. दीज आर द टास्क फॉर द डे. टायर ही टायर, बेचारो टायर चेंज हो गए, घस गए हैं टायर पूरी तरह से. क्या चीज़ है? टेन टेन जंपिंग कर रहा है. अच्छा ये लो हो गए, वो भी हो गया, एक उधर पड़ा. नई टायर्स की फिटिंग ऑलमोस्ट हो गई है. गुड डियर ईगल एफ 1 to 45, 45 R20 टायर्स. हाँ जी चारों टायर तो हो गए चेंज, बट जो दूसरा काम था इंस्पेक्शन वाला वो अभी नहीं हो पाएगा. सो आई कॉल्ड अप RTA. RTA समथिंग, बट यहाँ पर जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, सो आज वो बंद रहेगा, आज वो काम नहीं हो पाएगा, वो कल करवाना पड़ेगा. तो बस टायर ही चेंज करवा पाए हैं, बट टायर चेंज करने के बाद जो फ़र्क महसूस हो रहा है, वाह, ऐसे लग रहा है गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी फिसल रही है. ओह माय गॉड, पिछले वाले टायर मैंने काफ़ी यूज़ किए. आई गेस आई चेंज इट एट 65 or 70 और अभी गाड़ी चल चुकी है 1,30,000. सो 65,000 किलोमीटर चल गई, विच इज़ गुड इनफ आई गेस. हाँ जी घर पे आ गए और साथ में जो यूज टायर हैं वो हम ले आए हैं. एक यहाँ है, एक अंदर सीट में रखा है. चार में से दो ही ला पाया यार, गाड़ी में दो ही फिट आते हैं. एक यहाँ पर है.
अब इनके मूडे बनाएंगे जब मूड और टाइम दोनों मिलेगा। पहले के भी दो टायर रखे हुए हैं, कुछ नहीं किया, वो बस पड़े ही हैं। लेट्स सी, इनका कुछ जल्दी करेंगे। हाँ जी, घर आके नहा हो लिए हैं, अब फटाफट से नाश्ता पानी करा जाएगा। ये देखो योगा वाले लोग आ रहे हैं। अरे यार अच्छा था। वाह योगा तो हुआ नहीं इतना, मतलब एक हफ्ते का गैप आ गया। गर्ल्स और ऑल गर्ल्स ट्रिप टू सर्बिया। हमने बस फोटोज देखी, बढ़िया जगह लग रही है भाई। नेवर, वो क्या बोलते हैं, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। नेवर जज अ कंट्री बाय इट्स नेम। तो हमारा स्विट्जरलैंड कवर हो गया, मतलब स्विट्जरलैंड तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। इट्स लाइक आईफोन 11 है और एक आईफोन 14 है, तो नॉट मच डिफरेंस, बट हां थोड़ा सा हो रहेगा। 12 और 14 बोलते तो शायद ज्यादा बेटर होता। हां 12 और 14 या 11 और 14 क्या एग्जांपल सेट है, थोड़ा कम क्योंकि बाकी इतना नॉट लाइक एवरीवेयर, बिल्कुल एक जगह है बस, वही थोड़ा एरिया ही है, कम एरिया ही है। अच्छा, इज इट लाइक जैसे हम ओमान में गए थे, जैसे हाँ अच्छा कि ओमान में एक छोटा सा एरिया सलाला। स्विट्जरलैंड तो पूरा ही बहुत ब्यूटीफुल है। और मोकरा गोरा है। इज योर आलू दे परोंठे विद अ कप ऑफ टी, दिस वन इज फॉर मी। परांठों का सबसे महत्व साथी बटर, अमूल बटर। दिन से दोपहर और दोपहर से रात होगी और रात का डिनर चल रहा है। क्या खा रहा है? रात का ज्वारी। और हम खा रहे हैं दाल रोटी और एक साथ में समोसा। हेलो हेलो वेलकम। टू मंथ्स आई गेस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हेलो भुवेत। हाँ जी, जो कल का काम है बीच में छूट गया था वो भी करवा लेते हैं, रात को तो काफ़ी लेट हो गया था तो उसके बाद कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ा नहीं। तो आरटीए ने एक माइनर चेंज ये भी बोला है कि जो नंबर प्लेट है इसमें काफ़ी डेंट्स हैं और एक कलर भी उड़ा हुआ है, तो ये भी चेंज करानी पड़ेगी। सो हेयर वी आर एट द टेस्टिंग सेंटर, यहाँ गाड़ियाँ टेस्ट होती हैं, दे विल टेस्ट एंड दे विल गिव यू अ रिपोर्ट कि आपकी गाड़ी पास हुई कि फेल। और हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है अभी दो चार कॉल्स मिलाने के बाद कि जो माइनर वाला इशू है दिस कैन बी अवॉइडेड, जो डैमेज वाला था फ्रंट में नंबर प्लेट पे, दैट कैन बी अवॉइडेड एट दिस पॉइंट, योर कार विल पास, बट वाइल यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन विच इज अगेन अनदर ऑनलाइन प्रोसेस जिसमें आपको एक और पेमेंट करनी होती है, उसमें इट विल नॉट अलाउ, सो यू गो फॉर इंस्पेक्शन बिकॉज इट्स वीकेंड, इसके लिए टाइम लगता है, सो ये भी कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले वो नई नंबर प्लेट के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे, इट विल गेट डिलीवर्ड एंड देन यू चेंज इट योरसेल्फ एंड देन यू डू द रजिस्ट्रेशन। सो होपफुली पास हो जाए, ऐसा नहीं हो कि उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो गलत निकले और ये फिर बेल हो जाए और मेरे को तीसरी बार इंस्पेक्शन कराना पड़े, हर इंस्पेक्शन के पैसे लग रहे हैं। तो गाड़ी का टेस्ट हो गया है और इस बार गाड़ी पास हो गई है। चलो जी, सॉर्टेड, नंबर प्लेट वाला काम करवाना पड़ेगा बट एक बार के लिए तो पास होगी अभी, तो नंबर प्लेट वाला काम भी करवाना तो पड़ेगा, बट यू हैव टू अप्लाई इट ऑनलाइन, देन यू हैव टू कम बैक हियर, कलेक्ट द नंबर प्लेट, दे विल फिट इट एंड ऑल, एंड देन फाइनली यू रिन्यू एनी व्हाटसोएवर। मैन अभी लग जाएगा आई गेस एक दिन और। हाँ जी, तो बस कुछ इस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हो गया, अभी आगे का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो यहीं ही आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अभी मैं आपको पल पल की खबर नहीं दूंगा इस मुद्दे पर। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर खत्म करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैच एंजॉय कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने 270 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, मैच एंजॉय। आपने होपफुली व्लॉग एंजॉय किया होगा, और व्लॉग्स नहीं है वो देख लो, आप अपना टाइम पास करो, व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आप किसी जानने को जरूर पसंद आएगा। गुड नाइट, सॉरी नो गुड नाइट,
ओनली बाय बाय।